आमरेस भी इस गाड़ी के अंदर हमने लगा दिया है, जो कि अपना प्रॉपर थार वाला आमरेस रहने वाला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि रहेगा टाटा जेन्युइन। तीन बटन आपको मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से जो है आप इसको म्यूट लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है सब चीजें आपको यहाँ पर मिल गई है। फिट फिनिश की बात की जाए, कैसा लगा काम आपको? अच्छा, फिट फिनिश काम किया है। बात करें स्टाफ कोऑपरेशन वगैरह की, जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, कोऑपरेटिव स्टाफ, पूरा स्टाफ अच्छा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सचेंज सीरीज रोहतक रोड वाले अपनी ब्रांच पे, और अगेन अपने सामने खड़ी है टाटा की पंच। गाड़ी का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं सबसे पहले राजन भाई से। राजन भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो अगेन कमांडो एडिशन लेकर के आप आ चुके हो। अब रेगुलर कंटिन्यू हम कमांडो एडिशन दिखा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर की डिमांड आ रही है, तो हम उसी तरीके से दिखाए जा रहे हैं। ठीक है जी। जी प्रीमियम, बहुत ही अच्छा प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का इस गाड़ी के अंदर काम हुआ है, सारा आपको दिखाएंगे। अगेन बजट की बात करें, 60,000 के अंदर हमने बेस टू टॉप गाड़ी बना दी है। ये 60,000 रुपीज़ के बजट के अंदर आपकी पूरी बेस टू टॉप बन चुकी है गाड़ी। आप आगे पीछे साइडें हर तरफ से देख सकते हैं, ग्रिल वगैरह, जीटी किट वगैरह सब कुछ गाड़ी के अंदर लगाए हैं। तो हम शुरू से दिखाते हैं हमने क्या क्या काम कराया इस गाड़ी। तो अगर हम सामने से बात करें अपडेट की, क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं, सबसे पहले क्या दिखा रहे राजन भाई? तो सबसे पहले दिखाएं फ्रंट से, आप देख सकते हैं जीटी किट लगा दी है इस गाड़ी के अंदर हमने, जो कि अपनी एमटेक कंपनी की रहने वाली है। आपको लोगो सामने दिखाई देने को मिल जाएगा, तो एमटेक का लोगो इसके आपको दिखेगा, ये आपको ओरिजिनल एमटेक की देखने को मिल रही है, सेम कंपनी देती है, वही कलर के आपको देखने के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी। तो डेटोना ग्रेक लगी जीटी किट जो है वो यहाँ पे आपने इंस्टॉल करी गई है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास किसी अदर कलर की गाड़ी है तो आप वो भी जीटी किट उस कलर में लगवा सकते हैं। आपकी पंच किसी भी कलर में, उस कलर में आपको जीटी किट अवेलेबल मिल जाएगी जी। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट की बात करें तो फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन हमने इसके अंदर कर दिया है, जो कि अपनी मिंडा कंपनी की रहने वाली है अगेन, और प्लस मिंडा की रिले के साथ रहने वाली है। ठीक है। धांधली वाला काम बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि भैया आपका रिले अलग लगा दी और फॉग लाइट अलग लगा दी, ये वाला खेल नहीं खेलेंगे। फिटिंग करके 2,000 रुपए की पड़ती है ये। तो जो आप मांगोगे वही आपको चीज जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जी ठीक है जी। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर हमने ग्रिल चेंज करी है, जो कि अपनी कमांडो ग्रिल है, और ये कमांडो ग्रिल के अंदर ही BMW वाला आपको डिजाइन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली कंपस वाला जो लुक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। पूरा पूरा बिफोर लुक की अगर हम बात करेंगे, सामने आप लुक जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का रहने वाला, मतलब इस तरीके की गाड़ी हमारे पास आज आई हुई थी, बिल्कुल, जिसको अपडेट करके जो है वो इस तरीके का लुक जो है वो ऑफर कर दिया गया है। अगर आप दोनों गाड़ियों को एक फ्रेम में चेक करेंगे, कुछ इस तरीके का लुक जो है वो आपके सामने रहने वाला है, यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अपनी लगाई गई है जीटी किट, उसके बाद अपनी जो है लगाई गई है कंपास वाली ग्रिल और अपनी फॉग लाइट, इसके अलावा क्या रहने वाला अपना? उसके बाद हमने ग्लोसी किट का इंस्टॉलेशन इसके अंदर किया है, जो कि अपनी 10 पीस में रहने वाली है। ये आप आगे से हेडलाइट देखेंगे, साइड मिरर देखेंगे, हैंडल्स देखेंगे, प्लस टेल लाइट देखेंगे, तो ये 10 पीस हो जाएंगे आपके पूरे। ठीक, प्रॉपर 10 पीस के अंदर आपको ये 2,000 रुपए की कॉस्टिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो ये अपना रियर डोर हैंडल और यहाँ पे आपको टेल लाइट वाला पार्ट जो है वो मिल जाता है ग्लोसी किट के अंदर। काफी अच्छा अपडेट जो है वो रहने वाला है, मतलब एक हाइलाइटेड सा जो फील है वो आपको इसके साथ आ जाता है, आ जाता है। उसके बाद फ्रंट से हमने सारा कुछ दिखा दिया आपको, अब दिखाते हैं साइड का पार्ट क्या क्या रहने वाला है। तो साइड से अपनी व्हील कवर का इंस्टॉलेशन कर दिया, जो कि अपना टाटा जेन्युइन लोगो के साथ आपको रहने वाला है। ये आप यहाँ पर नहीं है, प्रॉपर लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और एक अच्छी क्वालिटी का हमने व्हील कवर आप दिया भैया को, 1200 रुपए की कॉस्टिंग ये करता है। इसमें सस्ता चाहिए तो सस्ता भी मिल जाएगा, 600-700 का, 500 का, 400 का, यहाँ तक कि 300 रुपए तक का व्हील कवर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन सबकी क्वालिटी में फर्क होता है हर चीज की, बहुत ज्यादा। ठीक है जी। कलर फेड वगैरह के जो कुछ चांसेस है वो आपको इसमें जो है वो ना के बराबर मिलते हैं जी। उसके बाद साइड क्लैडिंग का पार्ट आप देखेंगे, जो कि अपना जीटी किट का ही पार्ट रहने वाला है, और डेटोना ग्रे कलर के अंदर है, सेम आपका बॉडी कलर रहता है, और कभी भी इस ये कलर जाता नहीं, क्योंकि ओरिजिनल कलर ये रहने वाला है, एमटेक कंपनी का होता है, तो आपका कलर ये कभी नहीं जाएगा। और पंच की पर बैजिंग जो है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद साइड से आप देखेंगे हमने इसके अंदर 8 पीस वाली लोअर गार्निश लगाई है, जो कि आगे से पीछे तक की आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ तक रहने वाली है, क्योंकि अपनी 8 पीसेस के अंदर है, तो 4 पीस आपको इस साइड में और 4 पीस जो है वो उस साइड में इंस्टॉल जो है वो करी गई है जी। उसके बाद ऊपर हमने गैलियो की रूफ रेल लगाई है, जो कि आप देख सकते हैं, आपको गैलियो की बैजिंग भी मिल जाएगी। ज़्यादातर आजकल जो गैलियो की रूफ रेल आ रही है उस पर बैजिंग लगी हुई नहीं आ रही, तो आप ये मत सोचना कि भैया ये गैलियो की नहीं है, क्योंकि पीछे टेप जो होती है ना, टेप पे गैलियो लिखा होगा। ठीक है जी। जी तो फिटिंग भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हो गई है, हालांकि बारिश वगैरह सब आई थी जब ये लगाया था, लेकिन प्रॉपर फिटिंग है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइमर वगैरह इसको लगा के हम फिटिंग करते हैं। तो ये साइड से लुक जो है कंप्लीट अपना रहने वाला है गाड़ी का, आप यहाँ पर एक व्यू में चेक कर सकते हैं। एक बार आपको रियर व्यू दिखाता हूँ कि रियर में क्या कुछ रहने वाला है। सबसे पहले आप देखोगे रूफ के ऊपर ही, तो यहाँ पे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि अगेन
ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा जी। आप चाहो तो स्पॉइलर भी लगवा सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने डोर वाइजर जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद पीछे से हम देखेंगे जी टिकट का पार्ट आ गया अपना एमटेक कंपनी का, वही जिसमें आपको एमटेक का लोगो पीछे भी देखने को मिल जाएगा। ये आप यहाँ पर चेक करें, डेटोना ग्रे कलर की आपको लाइनिंग मिल जाएगी ऊपर और नीचे सिल्वर कलर मिलेगा, प्लस क्रोम के आपको ये दो मफलर डिजाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ पर एक चेक कर सकते हो, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी। तो रियर और से बहुत ही बेहतरीन लुक आपको ऑफर ये करता है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो व्यू है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। इसके अलावा एक रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आप दिखाते हैं कार की एंट्री में चल के कैसा कुछ इसका आउटपुट जो है वो आता है। बिल्कुल। तो आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आप यहाँ से बताते हैं आपको क्या कुछ अपडेट जो है कार के इंटीरियर से रहने वाले हैं। तो इंटीरियर से गाड़ी खा लो राजन भाई। तो गाड़ी के अंदर से हम आ गए हैं। गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं सीट कवर हमने लगा दिए हैं, जो कि अपने अल्ट्रा कम्फर्ट वाले रहने वाले हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये हमारे सीट कवर जो है ना प्रॉपर आपको वो वाले मिलेंगे जो क्वालिटी आपको ऑटोफॉर्म और ये अपना डॉल्फिन वगैरह ऑफर करते हैं, वही क्वालिटी में आपको सीट कवर मिलेगा मात्र 5500-6500। तो ये वाले सीट कवर अपने 6500 वाले 65 वाले दिखने में आप तो सेम ले सकते हो। अगर आपको चाहिए 3500 वाले भी सेम मिलेंगे, बट कपड़े का फर्क होगा। और कपड़े का फर्क बिल्कुल सही बात है, 3500 में भी आप सेम डिजाइन ले सकते हो, 5500 में भी सेम डिजाइन ले सकते हो और 6500 में भी सेम डिजाइन ले सकते हो, लेकिन क्वालिटी में फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। वो आप जब शॉप पे आओगे तो आपको मटेरियल दिखा दिया जाएगा और उसके बाद आपकी जो भी सिलेक्शन रहेगी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीट कवर्स के बाद हम दिखाएंगे अपना आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट भी इस गाड़ी के अंदर हमने लगा दिया है, जो कि अपना प्रॉपर थार वाला आर्मरेस्ट रहने वाला है। जैसे थार में लग के आता है सेम वैसी लुकिंग के अंदर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। स्पेस काफी अंदर आपको अच्छा देखने को मिलेगा और काफी अच्छा आर्मरेस्ट। और इसकी बेस्ट यूनिक जो बात रहने वाली है वो ये है कि इसको स्क्रू से टाइट नहीं किया जाता। बिल्कुल। कल को आपको इसको रिप्लेस करना हो तो आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हो, घर में रख सकते हो या अपना डिग्गी में उठा के रख सकते हो। बिल्कुल, हिलता वगैरह भी नहीं है ये, प्रॉपर एकदम फिक्स। ठीक है जी। बाकी अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ आपको वेलकम प्लेट जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। एसएस क्वालिटी में रहेगी तो अपना रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आएगी। बाकी क्या रहेगा राजन भाई? बाकी अंदर से देखेंगे इसके अंदर फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन किया गया है, जो कि अपनी क्रोकोडाइल डिजाइन प्रॉपर ओरिजिनल वाली वही डाई वाली रहने वाली है, उसकी कॉपी वाली बिल्कुल भी नहीं है ये। तो ये भी हमने इस गाड़ी के अंदर लगा दिए, जो कि 2000 रुपए की कॉस्टिंग के अंदर हम लगा के देते हैं कस्टमर। और उसके ऊपर अपना जो है प्रीमियम क्वालिटी के क्यूपो मैक्स वाले जो मैट्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। इसमें भी आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, आप 70 वगैरह पे जा सकते हो, बट फ्लोरिंग करने के बाद 70 में थोड़ा सा स्लीपिंग वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए ये वाले जो ट्रे टाइप मैट है वो ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं। हाँ, एक बात हो रहा है, जैसे अगर आप सीट कवर्स लगवाते हैं तो ये आपको 2000 की ही पड़ेंगी, अगर आप सीट कवर्स नहीं लगाते हैं तो हो सकता है इसके अंदर लेवर इंक्रीज हो जाए। ठीक है जी। जी, मतलब फ्लोरिंग के अंदर। जी, फ्लोरिंग के अंदर, और क्योंकि उसके लिए सीट कवर वगैरह सब खोलने सीटें निकालनी पड़ती है। बिल्कुल। उसके बाद हमने फ्लोरिंग के ऊपर ही जो मैट डाला है अपना, मैट आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर आपको फिटिंग के साथ मिल जाएगा। पीवीसी मटेरियल मैट आपको देखने को मिलेगा, क्यूपो मैक्स कंपनी का मैट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैट है, हिलेगा बिल्कुल भी नहीं और ना आपकी क्लच में अड़ेगा ये, मतलब लॉन्ग लास्टिंग अगर आपने यूज करना है तो इस मैट को आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। जी। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर एंड्रॉइड लगाया, जो कि अपना मैक्सेल कंपनी का रहने वाला है। ठीक है। कम बजट में एक अच्छा माल अगर आप लेना चाहते हो तो इस एंड्रॉइड को आप लगा सकते हो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से, ये बहुत अच्छी तरह फिट करके देंगे हम आपको। तो 9 इंच की अपने स्क्रीन साइज रहेगा, प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम के साथ जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर अगर आप एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो अगर लगाना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक पर्टिकुलर दो ऐप मिल जाएंगे, जिसमें आप कारप्ले चलाना चाहते हो तो कारप्ले चलेगा, एंड्रॉइड ऑटो चलाना चाहोगे तो एंड्रॉइड ऑटो, मतलब कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ आपको नहीं जाना, जैसे कि अदर एंड्रॉइड में होता है उसके अंदर आपको या तो जेड लिंक मिलेगा या तो आपको जो है टी लिंक मिलता है, उनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। खैर, ये वाला जो है इसमें आपको सब इंडिविजुअल जो है देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें टच के रिस्पांस की तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लैग फ्री आपको देखने को मिल जाएगा और कई सारी एप्लीकेशन अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइक क्रोम ब्राउजर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब है, मैप है, जिसके जनरली लोग परचेज करते हैं, वो सब आपको इसके अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। जी। क्या वारंटी आती है इसकी अपनी? एक साल की गारंटी होती है भैया, रिप्लेसमेंट गारंटी हम देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है जी। आप यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और रिप्लेस करवा सकते हैं। बिल्कुल। कंपनी से लेनी है कंपनी से ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कंपनी आपको टाइम पीरियड दे, हम आपको टाइम पीरियड नहीं देंगे, हैंड टू हैंड चेंज कर देंगे। ठीक है जी। जी, उसके बाद आप देख सकते हैं स्पीकर का इंस्टॉलेशन हमने गाड़ी के अंदर कराया, जो कि हम दिखा नहीं पाए हैं, दरवाजे जो है वो अपना पैक हो चुके हैं। जी, आगे कंपोनेंट लगाए पायनियर के, पीछे कोएक्सल लगाए पायनियर के, जो कि आवाज बहुत अच्छी दे रहे हैं, आवाज हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। मतलब कि अगर आपने एक डिसेंट साउंड चाहिए अपनी गाड़ी से, बहुत लाउड नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, तो आप पायनियर की तरफ जा सकते हैं, एक अच्छा सेटअप रहने वाला है। एंड्रॉइड की बात करें तो हमारे पास एंड्रॉइड जो है 4500 से स्टार्ट है
और 25 से 30,000 रुपए तक एंड्रॉइड आपको अवेलेबल मिल जाएगा अगर रेट की बात करें तो। ठीक है, डायमंड 2K वगैरह भी आप लगवा सकते हो, वो लगा सकते अपने पास ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल है। हर अलग अलग रेट के स्पीकर तो एंड्रॉइड सारे अलग अलग रेट के, आप दुकान पे आओ बैठो देखो उसके बाद आप लगाना चालू करो। ठीक है, नेक्स्ट करेगा राजन भाई। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे स्टीयरिंग रैप लगा कर दिया इसके अंदर, जो कि अपना मून डिजाइन रहने वाला है, क्योंकि आज तो 800 रुपए की कॉस्टिंग के साथ हम करके देते हैं, और बाकी पहले ये बहुत महंगा हुआ करता था, जब से हमने 800 कराया तभी से 800 ये हो गया है। तो अब यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर जो इसकी फिट फिनिश है वो देखने को मिल जाने वाली है, और आप चाहो तो इसको फुल ब्लैक में भी करवा सकते हो, सिंगल टोन वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग कंट्रोल जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि रहेगा टाटा जेन1, और आपको इसको चेक भी करवा लेते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, म्यूट अनम्यूट, और अपना जो है यहाँ पे सारे बटन वर्किंग आपको मिल जाते हैं। और एक लास्ट अपना अपडेट रहने वाला है इसकी सेंटर डोर लॉकिंग का, तो फ्लिप की के साथ सेंटर लॉकिंग जो है वो यहाँ पे रहने वाली है, आप चेक कर सकते हो। इस तरीके से फ्लिप की का जो फंक्शन है वो वर्क करेगा, 3 बटन आपको मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से जो है आप इसको म्यूट लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। RD की मार्किंग मिल जाएगी पीछे आपको, यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया है, और 3 साल की वारंटी जो है वो आपको इसके साथ मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे अगर आपने USB वगैरह कनेक्ट करनी है तो उसके लिए वैसे तो हम लोग जनरली केबल लगा के देते हैं, केबल की प्लेसमेंट आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, चाहे आप इसके अंदर ले सकते हो, बट यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी USB पोर्ट के थ्रू देना, तो यहाँ पे USB जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है विद कैप के साथ में, तो ये जो है एडिशनल काम इसमें किया गया है। तो ये सब अपडेट जो है वो रहने वाले हैं इस वाली कार के अंदर। अब एक बार मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ और जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो मिलते हैं वह कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। चंद्र प्रकाश। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? गुड़गांव से। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? कुछ रेफरेंस था और कुछ वीडियोस। ठीक है, मतलब आपको कुछ लोगों ने बताया जो काम यहाँ से करवा के जा चुके थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये बताइए कि आपको यानी कि डबल रिकमेंडेशन जो है वो मिला है, दोनों आपने वेरीफाई भी खुद से जो है वो किया है इसको वीडियोस के थ्रू जो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई हैं। हाँ, मोर और लेस मिल गई। फिट फिनिश की बात की जाए कैसा लगा काम आपको? अच्छा फिट फिनिश काम किया है। बात करें स्टाफ कोऑपरेशन वगैरह की, जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं, कोऑपरेटिव स्टाफ, पूरा स्टाफ अच्छा है। मतलब जो चीज़ आप कभी बेसिकली कोई कमी वगैरह आपको दिखती है तो आपको हैंड टू हैंड रिजोल्यूशन वगैरह मिल जाता है, प्लस जो भी मेरे सवाल थे क्वेश्चन थे वो भी बीच बीच में पूछता रहा और उसको भी रिजोल्व कर दिया गया है। अगर आप बात करें हम नंबरिंग की, 10 में से नंबर करना हो आपको सारे काम को, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से 10 कंप्लीट नंबर जो है वो अपना रहने वाले हैं। ठीक है जी, कल को रिकमेंड करना हो जैसे आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो रिकमेंड आप करना चाहेंगे? श्योर श्योर बिल्कुल करेंगे। बजट की बात किया, क्या बजट में गाड़ी का काम हो गया सर अपना? ये मैंने ओवरऑल 60,000 दिए हैं। 60,000 रुपीज़। तो ये पेमेंट आपने जो करी आपको वर्थ लगी? मतलब जो भी आपने आज तक ऑब्जर्वेशन जितना किया उस हिसाब से पेमेंट वगैरह वो वर्थ लगी आपको? मुझे वर्थ लगी। ठीक है सर, चाहिए था उसके हिसाब से ठीक है, ठीक लगा आपको? ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आप अपना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत धन्यवाद।